आज आपके लिए ड्रैगन सिलेंडर बम और एक और बोनस डोरेमोन बम। ये मैंने खोला तो इसमें क्या आया, सिलेंडर की शेप में बम दे रखा है। ये रहा, कट कर देना प्लीज। बॉम्ब कैलोरीमीटर कंस्ट्रक्शन। हमें चाहिए एक बॉम्ब, धमाका वाला नहीं, एक स्टील का बॉक्स। फ्यूज वायर चाहिए जो कि बना होता है मैग्नीशियम और कनेक्टेड होता है 6 वोल्ट बैटरी से। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए पाइप का यूज किया जाता है और उस पर लगा होता है ऑक्सीजन पाइप का वॉल्व। पतला कॉपर का बॉक्स भी होता है आउटर बॉक्स के अंदर। कॉपर का ही लीड लगा हुआ होता है उसे बंद करने के लिए। पानी से भरा जाता है बॉम्ब और कॉपर कैलोरीमीटर बॉक्स के बीच में। एक मैकेनिकल स्टीरर का और थर्मोमीटर का भी यूज करते हैं। एयर वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर होता है इसलिए हम एयर जैकेट का यूज करते हैं। वर्किंग, हम पहले से ही वेट किए गए फ्यूल को बॉम्ब में डालते हैं और वहां इग्नाइट किया जाता है फ्यूज वायर को गर्म करके। और कंबसन का ये एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। बिना ऑक्सीजन आग तो लगेगी नहीं, इसलिए ऑक्सीजन भरा जाता है 25 से 30 बार प्रेशर पर। जो भी बॉम्ब में गर्मी जनरेट होता है वो वाटर में चला जाता है। स्टीरर की मदद से हम यूनिफॉर्म टेम्परेचर बरकरार रखते हैं। इनिशियल टेम्परेचर को T1 और हाईएस्ट टेम्परेचर को T2 के नाम से नोट करते हैं। तो वेट ऑफ फ्यूल सैंपल को हम एक्स यूनिट मास मान रहे हैं, वेट ऑफ वाटर को हम कैपिटल W मास मान रहे हैं, वेट ऑफ कैलोरी मीटर हम नहीं ले रहे हैं, हम कैलोरी मीटर के जगह कितना वेट वाटर का यूज आएगा उसे हीट करने में, एग्जैक्टली जितना हमें कैलोरी मीटर को हीट करने में आया है उसको हम स्मॉल W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाटर का वेट है जो कि इक्विवेलेंट है कैलोरी मीटर को गर्म करने के। नेक्स्ट आते हैं इनिशियल टेम्परेचर पे, वो हमने T1 लिया है, फाइनल टेम्परेचर T2 लिया है और हाई कैलोरीफिक वैल्यू हमने कैपिटल सी लिया है। हीट गेन बाय वाटर, वो होगा हमारे वाटर का वेट मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर चेंज से। हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, वो होगा हमारे कैलोरीमीटर का इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर चेंज से। हीट गेन बाय सिस्टम, उन दोनों के सम के बराबर होगा। हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल, देखिए जो SCV होता है वो यूनिट मास के लिए होता है और हमने एक्स मास का फ्यूल लिया है, तो हमारा जो हीट लिबरेट होगा टोटल वो होगा एक्स मल्टीप्लाई सी। हीट गेन बाय सिस्टम हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल के इक्वल होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ये डूलोंग्स फॉर्मूला लगा करके हम LCV यानी लो कैलोरीफिक वैल्यू या नेट कैलोरीफिक वैल्यू को निकाल सकते हैं। करेक्शंस, एसिड वैल्यू करेक्शन, नाइट्रोजन सल्फर जैसे कुछ एलिमेंट्स वेपर फेज में आकर के वो एसिड बन जाते हैं और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इवॉल्व करता है जो कि हमारे कंबसन में एड हो जाता है, इसलिए उसे हटाना जरूरी है। नेक्स्ट करेक्शन, फ्यूज वायर करेक्शन। जैसा कि हमने 6 वोल्ट बैटरी से लगाकर मैग्नीशियम वायर को गर्म किया था
उसकी गर्मी हमने ऐड कर दिया कम्बसन में और हमारा हाई कैलोरिफिक वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा आएगा उसके वजह से, इसलिए उसको हटाना होगा और हमें ये करेक्शन करना होगा। कूलिंग, हम एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना सकते परफेक्टली, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कूलिंग हो जाएगा एनवायरनमेंट में हीट लॉस के वजह से, और वो करेक्शन हमें करना होगा। तो करेक्शन के बाद ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, बस हमें ये याद रखना है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कूलिंग इफेक्ट को हमने ऐड किया है, क्योंकि वो हमारा हीट लॉस हो चुका था, इसलिए उस हीट को हमें कंसिडर करना होगा। और जो हमारा एसिड करेक्शन है और फ्यूज करेक्शन है, वो हीट हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था, इसलिए उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा।